एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। हमारी ट्रेन जो है वो रवाना होने वाली है भोपाल के लिए। सो पूरा जैसे हम सेटअप कर लेते हैं ना, वैसे हम सारा सेटअप जो है वो हटाते भी हैं। तो ये हमारी मैट्रेस है, आई थिंक मैंने ब्लॉग में बताया था, हमने खरीदी थी। वन ऑफ द बेस्ट परचेज है हमारा, मतलब इतना काम आ रहा है ना, ये इतना काम आ रहा है ना, जब से आए तब से अपन ने इसको रगड़ा है। तो हम लोग एक ये मैट बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर मैट्रेस बिछाते हैं। हमारी ब्लैंकेट है, कर्टन्स है, पिलो है, बेडशीट्स है। तो बेडशीट्स तो हम लेके जाते हैं क्योंकि ट्रेन में ना मिलता नहीं है बेडिंग वगैरह, तो वो लेकर के जाते हैं। और ये सब सामान, ये देखो इस आदमी ने सिर्फ आज के काम करने के लिए टेबल बनवाई है। ये जो हमारा किचन था ना पुराना, हमने बनवाया था, उसका पूरा ये निकाल करके इसने ये टेबल बनवा ली है टेम्प्रेरी। हालाँकि ये इसको भी मैं रीयूज़ करवाऊँगी कुछ शेल्फ वेल्फ बनवाने में। तो बस वही है, निकल रहे हैं। और ये वाला जो बाथरूम है, ये वाला, इसको हम थोड़ा सा और कवर करके जाएंगे ताकि हम आ करके ना वो क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बाथरूम क्लीन नहीं मिलता दिमाग खत्म हो जाता है लिटरली। सो यस, एंड कितनी अच्छी धूप आ रही है ना। सो अब मैं फटाफट से पैकिंग करती हूँ। पैकिंग तो वैसे हो गई है सब कुछ, बस ये थोड़ा बहुत वाइंड अप ही चल रहा है, तो वो करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ओके, तो ये जो सामान है, ये सामान, ये सब हमारी गाड़ी में जा रहा है। और हमारी जो गाड़ी है ना वो ये खड़ी हुई है नीचे, तो मैं यहीं से ऑन करूँगी और वो गाड़ी में सामान रख देगा। ये जो फ्लोर है ना, इसके जस्ट नीचे एक पार्किंग है और एक इसके, ये जो पोडियम बना हुआ है इसके नीचे भी पार्किंग है। सो ऐसा है, यहाँ पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं। ये देखिए निकली ना गाड़ी, यहाँ पर भी पार्किंग है। तो दिस इज़ आर व्हीकल। ये रहे मिक्की जी गाड़ी में सामान भरते हुए। हम लोग अब पता क्या करने वाले हैं, फर्स्ट फ्लोर का बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे, रस्सी डाला करेंगे यहीं से और यहीं से सामान फेंकेंगे। मैं अभी लिटरली विक्की को सारा सामान फेंक फेंक के दे रही हूँ। क्या ये शूज विक्की के शूज फेंक दो इन्हें नीचे ही। शूज हे गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं आप लोगों के साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों को ओपन पोर्स का प्रॉब्लम रहता होगा, क्योंकि हम लोगों की जो स्किन होती है, आपको पता होगा इसमें पोर्स होते हैं, एंड समटाइम्स ड्यू टू ओवर सिक्रीशन, ऑयल सिक्रीशन की वजह से कभी कभी ये जो पोर्स होते हैं ये थोड़े एनलार्ज हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिख रहे होंगे मेरे पोर्स दिख रहे होंगे। सो दीज आर द पोर्स ऑफ माई स्किन, और ये सबकी स्किन पर होते हैं। किसी मैंने मोस्टली ये देखा है जो एक्ने प्रोन स्किन जिनकी होती है, उनके पोर्स थोड़े से ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ जो ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है इसकी वजह से। तो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग से प्रोडक्ट्स, इंट्रोड्यूसिंग द डर्मा कोज पोर मिनिमाइजिंग रेंज दैट हेल्प्स यू विन ओवर ओपन पोर्स, और आपको ये एक स्मूथ स्किन प्रोवाइड करेगा। ये एक फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मूला है जो कि पोर्स के अपियरेंस को कम करेगा और कोलेजन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। इसके जो हीरो इंग्रेडिएंट्स है वो है नियासिनामाइड एंड पीएचए। नियासिनामाइड क्या करता है, इट मिनिमाइज डिलेटेड पोर्स एंड कंट्रोल एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन, कीपिंग योर स्किन स्मूथ एंड क्लियर। पीएचए माइल्ड एक्सफोलिएशन करता है आपकी स्किन को, एंड आपके जो स्किन का टेक्सचर है वो इम्प्रूव करता है। जो रेंज है ये आपके पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड आपको एक स्मूथ स्किन प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि इनको यूज कैसे करना है। सबसे पहले देखते हैं पोर मिनिमाइजिंग क्ले डेली फेस वॉश। आपको इसको अप्लाई कैसे करना है, ऑन अ वेट फेस अप्लाई अ जेनरस अमाउंट ऑफ फेस वॉश इन अ जेंटल अपवर्ड सर्कुलर मोशन, रिंस थॉरली विथ ल्यूकवार्म वाटर एंड जेंटली पैट ड्राई। ये आपको एवरीडे यूज करना है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं पोर मिनिमाइजिंग फेस सीरम। तो इसको आपको कैसे यूज करना है, आपको अप्लाई करना है 3 to 5 ड्रॉप्स ऑफ द सीरम ऑन योर एंटायर फेस एंड नेक। उसको अच्छे से मसाज करना है जब तक वो कम्प्लीटली अब्जॉर्ब नहीं हो जाता है। इसको भी आपको डेली यूज करना है। इस पूरे रेंज में मॉइस्चराइजर भी अवेलेबल है। अगर आपको मॉइस्चराइजर का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर पोर मिनिमाइजिंग मॉइस्चराइजर है। इसको आपको कैसे लगाना है,
एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई करना है, फेस एंड नेक पे, एंड जेंटली मसाज करना है अंटिल अब्सॉर्ब्ड। एंड इसको भी आपको एवरीडे यूज करना है। एंड जब भी आप दिन में कहीं पे भी लगाते हैं तो हमेशा इसके बाद ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन जरूर लगाइए, एक्टिव इंग्रेडिएंट जिनमें जिन भी प्रोडक्ट्स में रहते हैं, एंड लगाने से पहले इसका पैच टेस्ट जरूर करिए। सो स्टार्ट योर जर्नी टू अ हेल्दी स्किन दैट नीड्स नो फिल्टर एट dermaco.com। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने से आपको 20% ऑफ मिलेगा डर्माको की वेबसाइट पर। डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल डिजाइंड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, काफी ज्यादा सेफ होते हैं सबके लिए। डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये 100% फ्रेग्रेंस फ्री होते हैं। डर्माको ने बहुत ही अच्छा कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट। तो इसमें ये क्या करते हैं, आप जब भी डर्माको से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करते हैं, डर्माको विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलोंग विद भूमि। दे हैव प्लेज्ड टू हेल्प 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर विच इज रियली अ गुड कॉज। सो यस, अब हम कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। थाने से हम लोग जाने वाले हैं CST, एंड फिर वहाँ से हमारी ट्रेन ऑलरेडी बन चुकी है, मतलब वहीं से ही स्टार्ट होती है। तो वहाँ जाएंगे, लंच वगैरह करेंगे बिकॉज विक्की का फास्ट चल रहा है, तो वो पहले लंच करेगा, डिनर करेगा, सॉरी। सो ट्रेन आ गई है, ओके गाइज। पहुंचे हैं CST स्टेशन और वहीं पर एक कोई रेस्टोरेंट है, वहां पर हम लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि विक्की को प्रॉपर थाली खाना है, थाली विक्की की जो विक्की खाने वाला है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग स्टेशन आए हैं एंड लुक हु आई एम विद, मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई है। हाय, हेलो, अपना नाम बताओ। प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं और वो ये उनकी बेटी है और ये उनके हस्बैंड है, तो ये विक्की है हमारा, तो ये लोग भी भोपाल ही जा रहे हैं, तो हम लोग बहुत देर से बातें कर रहे हैं और ऐसे लग नहीं रहा कि फर्स्ट टाइम मिले हैं। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। हम बैठ गए हैं ट्रेन में और अभी जो हमको सब्सक्राइबर्स मिले थे वो जस्ट हम B4 में बैठे हैं, वो लोग B3 में बैठे हुए हैं। शी वॉज रियली स्वीट, मतलब तुरंत हम लोग, एक तो वही ऐसा होता है ना जैसे सेम टाइप के लोग मिल जाते हैं, आप कनेक्ट बहुत जल्दी कर जाते हैं, तो इतनी जल्दी कनेक्ट करके मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिले हैं। एंड वी जस्ट एक्सचेंज अवर नंबर एज वेल, मैंने नंबर एक्सचेंज कर लिया क्योंकि मुझे पता है सामने वाला एक बार बोलने में थोड़ा हेजिटेट हो सकता है कि यार हम नंबर मांगे कि नहीं मांगे, मैं दूंगी नहीं, तो मैं ही ऑफर कर देती हूँ, मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं मैं खुद ही बोल देती हूँ कि लेट्स एक्सचेंज द नंबर। विक्की को भी वो बहुत पसंद आया वो लोग, तो वही है। एंड अब हम लोग निकलते हैं, खाना वाना तो सब विक्की का हो गया, मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को ना मोशन सिकनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, बहुत एक्सटेंड तक नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ ज़्यादा खा लेती हूँ, भर लेती हूँ यहाँ तक, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बाहर निकाल दूँ सब कुछ। तो अब भोपाल पहुँचने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हम लोग भोपाल पहुंच चुके हैं एंड आज हम आए एक बहुत ही स्पेशल जगह, ये है फैक्ट्री, तो लेट्स सी वी आर इन। ये जो आप पूरी पीछे देख रहे हैं ये इसका फैक्ट्री है, लेट मी शो यू प्रॉपरली, ये जो पीछे पूरा दिख रहा है ना, यहाँ ये सब इसका गोडाउन है, और पीछे दिखाती हूँ, यहाँ पर पीछे पूरा वुड वर्क वगैरह होता है, मशीन्स वगैरह रखी हुई है ना, ये This is the work he used to done. हेलो गाइस, तो आपने लास्ट क्लिपिंग ये देखा कि मैं जब वसवी के फैक्ट्री गई हुई थी, सो एक्चुअली हम लोग वी वर अप टू समथिंग, बट अभी जो कंक्लूजन है वो निकला नहीं है, हम बहुत एक्साइटमेंट उसमें गए थे बट हमने बात करी, ऑब्वियसली हमारे दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकती है नहीं हो सकती, वो हमको जवस्वी ने एक्सप्लेन किया एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी, जो हम प्लान सोच के गए थे वो अभी तक तो लग नहीं रहा, ऐसा कुछ हम पता नहीं जो सोचा था वो हो पाएगा एंड ऑल दैट, तो चल रहा है, लेट्स सी जब हो जाएगा तब मैं आप लोगों को बता दूंगी, घर से रिलेटेड ही है वो आपको पता चलेगा। और आज है शिल्पा का बर्थडे, शिल्पा बोल रही हूँ, शिल्पा की बेटी का बर्थडे है, तो हम लोग वहाँ बर्थडे पार्टी में जाना है, तो उसके लिए हम अभी ये आपको गिफ्ट दिख रहा है, ये गिफ्ट लेकर के आए हैं, और नीचे आपको एशियन पेंट्स के डब्बे भी दिख रहे होंगे,
तो जो एशियन पेंट्स है, मतलब अभी हमारे जो वहाँ पर है ना, थोड़े टाइम में 2-3 दिन में कलर स्टार्ट हो जाएगा, तो कलर सिलेक्ट करना है मुझे, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ यार। मतलब मेरे को ना ये भी डर लग रहा है, मेरे को इस बार कुछ और कलर के साथ प्ले करना है, लेकिन आई एम कन्फ्यूज एज वेल। और मुझे ये भी लग रहा है कि इतना महंगा जो सिर्फ कलरिंग कलरिंग होती है ना, क्योंकि हम एक काम किसी एक से करवा रहे हैं तो हमको 30-35 हज़ार में पड़ रहा है सिर्फ कलर करवाना 2 BHK। अगर हम ये नॉर्मली करवाते हैं ना किसी और से बाहर से, तो आप मान के चलो 50-60 हज़ार रुपये मुंबई में लगता है सिर्फ घर का कलर करना, पुट्टी उट्टी मार के, वो जो ऐसा वाला सब कलर होता है ना, वो बहुत महंगा होता है भाई। तो मुझे ये भी लग रहा है अभी जैसे अब कलर करवा दिया तो अब थोड़ी ना 2-3 साल हम कलर करवाने वाले हैं, तो मैं ही मुझे लगेगा कोई वॉल खराब हो रही तो मैं हाथ मार दूंगी भाई, मैं नहीं करवाने वाली इतना महंगा कलर। तो अंटिल अनलेस बहुत खराब ना हो जाए, नहीं तो विक्की और हम दोनों तो DIY एक्सपर्ट हैं ही, हम तो मारेंगे पुट्टी खुद ही और कर देंगे कलर खुद ही। 50 हज़ार कौन देगा यार, 50-60 हज़ार रुपये बहुत होता है 50-60 हज़ार रुपये। तो फिर मुझे ये भी लग रहा है कि मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर दूँ और वो एक्सपेरिमेंट फेल ना हो जाए और ये ना हो जाए और डिजास्टर ना लगने लगे, तो मुझे वो भी डर लग रहा है। तो लेट्स सी, इसलिए मैं थोड़ा ना एक्सपेरिमेंट कर 3 कलर लेकर के आई हूँ, मैं एक दीवार पे करके देखूंगी। क्योंकि अभी जाना है शादी बोल रही हूँ, अभी जाना है बर्थडे पार्टी में, तो मैं थोड़ा सा नेल पेंट लगा लूँगी। सो मैंने ये नॉर्मल ऐसे नेल पेंट लगा लिया है, जेल पेंट नहीं लगाया है, इट्स जस्ट अ नॉर्मल। कलर बताती हूँ, ये है कालाबा का सैटिन शेडो, मैं इसका लिंक कर दूंगी क्योंकि जेल पेंट लगाने में बहुत टाइम लग जाता है। अभी जो मैंने ये 10 मिनट में लगा लिया है, 10 मिनट भी नहीं, जो मैंने ये 5 मिनट में लगा लिया है, वो मुझे जेल पेंट लगाने में लगता कम से कम आप मान के चलो आधा घंटा, 7:30 हो गए हैं, तो अभी तक मैं ये सोच रही हूँ, मतलब मैं बहुत सोचती हूँ कहीं जाने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मैं ओवर ड्रेस ना हो जाऊँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंडर, और मेरे साथ हमेशा ऐसा था, या तो मैं ओवर ड्रेस होती हूँ या मैं अंडर ड्रेस होती हूँ। जहाँ मैं अंडर ड्रेस होती हूँ वहाँ मैं ये सोचती हूँ शिट यार मुझे ये पहन के चले जाना चाहिए था, फिर मैं ओवर ड्रेस कर जाती हूँ कहीं और जगह, फिर मैं कहीं ओवर ड्रेस कर जाती हूँ तो मुझे लगता है शिट यार ज़्यादा हो गया है। ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं होता? मेरे साथ तो भाई बहुत होता है, मतलब या तो मैं ओवर ड्रेस हो रही होती हूँ या मैं अंडर ड्रेस हो रही होती हूँ। मतलब मैं बहुत रेयर जगह होती होंगी जहां मैं बिल्कुल बिना सोचे जाती हूँ ना वहां मैं एकदम सही जाती हूँ, लेकिन जहां मैं ज्यादा सोच लेती हूँ ना वहां मेरा, और आज मेरे साथ वही हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ कि मैं ओवर ड्रेस ना हो जाऊं या मैं अंडर ड्रेस ना हो जाऊं, बस वही चल रहा है मेरे दिमाग में। और 100% या तो मैं वहां जाऊंगी स्पॉट पे तो मुझे लगेगा या तो मैं ओवर ड्रेस हो गई या मैं अंडर ड्रेस हो गई, द प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ। सो मैंने 2 गाउन्स निकाल के रखे हैं, एक तो मैंने ये जंप सूट जो मैंने अपने बर्थडे पे पहना था वो निकाल के रखा है, ये मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ तो मैं सोच रही हूँ ये तो वैसे भी पहन सकते हैं। सो आई एम थिंकिंग टू वियर दिस गाउन, दिस इज़ अ वेरी प्रिटी गाउन, मतलब ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। सो आई एम थिंकिंग टू वियर दिस गाउन, क्योंकि इसको मैंने अपने बर्थडे पर परचेज किया था, 3.5-4 हज़ार का था ये। दिस इज़ फ्रॉम दी ब्रांड मिडैम एंड इतना क्लासिक गाउन है ये, बहुत प्रिटी लगता है, इसको कभी पहना ही नहीं है यार दूसरी बार, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं इसको पहनती हूँ। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस। ओके, सो दिस इज़ द ड्रेस जो मैंने अभी पहना, लुक एट द नेक एंड डिटेलिंग ऑफ दिस ड्रेस, मतलब इसको ऑलमोस्ट 6 साल पुरानी ड्रेस है एंड लुक एट दिस, सो प्रिटी, मतलब इतनी सही फिट आई है मुझे, एकदम परफेक्ट फिट आई है। ऐसे नीचे ना बहुत प्यारा ऐसे फिश कट सा फ्लेयर है, दिखाती हूँ नीचे से भी आपको, ये दिख रहा है अभी नहीं दिखेगा, ये यहाँ तक इसमें नेट है, देन दिस हैज़ अ ब्यूटिफुल फिश कट फ्लेयर, मतलब किसी भी बॉडी टाइप को बहुत फ्लॉन्ट करने वाली ड्रेस है। तो लिंक मत मांगना क्योंकि बहुत पुरानी ड्रेस है, ऑफलाइन स्टोर से लिया था मैंने। Isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got the system, my favorite things. You could be the part where it all begins, you could be the first and the second and the third and the rest of it. So I'm confused कि ये पहनूं या जो ये डायमंड स्टड्स ये पहनी रहूं या ये पहनूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो ऑल रेडी एंड फाइनली वोर दिस वन, एंड नेक में मैंने चेंज नहीं किया, वही पहनी रही हूँ। सो दिस इज माई लुक। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कल पार्टी में आने के बाद मैं सीधे आज आप लोगों से मिल रही हूँ। आपको दिख रहे हैं पोटली बंधे हुए, इसमें हमारे सारे कुशन्स जो है ना वो सबको मैंने ऐसे पोटली में बांध दिया है, एंड
जो मैं कलर्स लेकर के आई थी वो कलर मैं भी यहाँ पर टेस्ट करने वाली हूँ इस वॉल पर. सो दीज थ्री आर द शेड्स, ब्यूटिफुल पेस्टली एंड बेज काइंड ऑफ शेड्स है. तो लेट्स सी, देखती हूँ कौन सा उठ करके आता है वो कलर. अभी हम वही ट्राई करने वाले हैं. ओके गाइस, तो पेंट वगैरह हो गया है एंड वी डिसाइडेड एज वेल कि हमको कौन से पेंट पे जाना है. तो बेसिकली मेरा जो लास्ट वीडियो अभी जो मैंने अपलोड किया था, मतलब इस वीडियो के जो पहले वाला जो वीडियो है, उसमें एक कमेंट आया है जिसको काफ़ी सारे लोगों ने लाइक भी किया है. मैंने ऑल दो उस कॉमेंट के नीचे आंसर तो कर दिया है, बट आई एम नॉट श्योर कितने लोगों को वो आई थिंक इतने लोगों ने पसंद किया है उस कॉमेंट को. तो काफ़ी लोगों के अंदर ये डाउट होगा जो ये कॉमेंट है. तो इसमें उन्होंने ये लिखा है कि अगर आपको पता था कि आप 6 मंथ्स के बाद मूव होने वाले हो, तो आपने जो भी हम करंट इस घर में रह रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स का घर है, इसमें आपने 1 लाख रुपीज़ का क्यों, मतलब क्यों खर्चा किया. एंड तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, जब हम वहाँ से मूव हो रहे थे ना, हम लोगों ने ये बात जो हमारे साथ में निशा वगैरह है, मेरी जो दोस्त है, उनको मैं बोल के आई थी कि 6 मंथ मैक्स टू मैक्स 5-6 मंथ में हम आ जाएंगे, क्योंकि हमको ये बात पता था कि ऑफिस ओपन होंगे तो हमको जाना ही पड़ेगा. ठीक है, ये हमको तब से पता थी बात. और ये चीज़ हमारे घर वालों को भी पता था कि हमको जाना ही है एक ना एक टाइम के बाद, है ना. तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स थोड़ा अपोज कर रहे थे कि तुम लोग इतना सारा खर्चा क्यों करवा रहे हो जब तुमको जाना ही है. तो बट यार देखो, एक तो विक्की और हम लोगों ने बहुत, ऐसा नहीं कि हमने बेवकूफ़ वजह से बस कुछ भी डिसीजन ले लिया. एक तो ये घर की हालत आपने देख रखी थी कि कैसी हो रखी थी. तो मैं चाहे 2 महीने के लिए जाऊँ या 6 महीने के लिए जाऊँ चाहे 1 साल के लिए जाऊँ, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती हूँ, मैं सर्वाइव नहीं कर सकती. मैं इतने 6 महीने में तो पागल हो जाती, मेरा मेंटल लेवल ही हिल चुका होता. तो आई नीड अ स्पेस जहाँ मैं आराम से कामली बैठ सकूँ और मेरा सामान के बिना भी मेरे से काम चलता नहीं है. हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पर फर्निशिंग्स, मतलब जो फर्नीचर होता है वही जो वॉल वगैरह पे लगता है, थोड़ा बहुत मॉड्यूलर कराया है किचन को, बहुत बेसिक चीज़ें करवाई हैं किचन में भी. सो आई थिंक वो नीडेड था, क्योंकि आई थिंक 15 ईयर्स हो गए हैं टेनेंट्स किस तरह से घर को रखते हैं, उसकी हालत कैसी हो गई थी. तो एक अच्छा वॉश मिल गया, पेंट मिल गया घर के लिए, उसके बाद अच्छी वार्डरोब्स वगैरह हो गई हैं. तो डेफिनेटली इससे बेनिफिट क्या होगा, पहले इस घर में भोपाल का जो रेंट है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत रेंट नहीं आता है इस 2 BHK का यहाँ पर, जो कि मेन सिटी में है, कि मतलब मेन भोपाल जो होता है ना, सेंटर ऑफ भोपाल में यहाँ पर घर है. एंड इसका रेंट मैक्स टू मैक्स 10,000 रुपीज़ आता है, 10,000 रुपीज़ में ये 2 BHK जाता है. तो अब बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि ये फर्निश्ड हो चुका है, एक तरह से सेमी मॉड्यूलर टाइप का, सेमी मॉड्यूलर किचन है, वार्डरोब्स वगैरह आ गई हैं, तो अब हम इसका रेंट बढ़ा करके 15 कर देंगे. तो जो साल में 1 लाख रुपए आता था वो अब क्या हो जाएगा, 1.5 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा. तो विद इन 2 साल में 50,000 करके वो पैसा वसूल हो जाएगा. और लॉन्ग टर्म में, मतलब 1-2 साल के थोड़ा घर रेंट पे देना है, रेंट पे तो रहेगा ही ना हमेशा के लिए, तो पेरेंट्स को बेनिफिट होगा यार. और इतना घर का घर है, तो लिटरली हम लोगों ने इतने, जितना कॉम्प्लेक्स लोग क्वेश्चन कर रहे थे, इतना कॉम्प्लेक्सिटी से मैंने कुछ नहीं सोचा था. मैंने बस ये सोच के रखा था क्योंकि हम यहाँ रहने आ रहे हैं, नो मैटर हम यहाँ 4 मंथ्स के लिए आए, 5 मंथ्स के लिए आए, 6 मंथ के लिए आए, हम लोग करवा लेते हैं. और घर वालों के ऊपर खर्च करने के लिए ना मैं इतना सोचती हूँ, ना विक्की इतना सोचता है. जहाँ हमको लगता है करना चाहिए वहाँ डेफिनेटली करते ही हैं. तो बस यही था आज का वीडियो, मैं यहीं ख़त्म करती हूँ. आई एम श्योर काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों ने बहुत पॉजिटिव उससे बोला. मैं ये नहीं बोल रही किसी ने नेगेटिव उससे बोला है, इन जस्ट दैट बहुत लोगों के दिमाग में आई थिंक ये क्वेश्चन आया होगा कि क्यों हमने यहाँ पे ऐसा किया. तो क्योंकि घर का घर था, तो इतना हमने कैलकुलेट नहीं किया कि क्या और कैसा और फलाना और ढिमकाना. करंट मेरे घर में पेंट है ना, मैं बताती हूँ, वो है एशियन पेंट्स का प्योर आइवरी L124, जिसको हम चेंज करवाने वाले हैं किसी और शेड में. तो लेट्स सी, मैंने 2-3 कलर सिलेक्ट तो करे, मैं यहाँ पे करके भी देखी हुई हूँ, तो मैं कैमरे में भी रख के देख रही हूँ कि कैसा लग रहा है, मोबाइल में रख के देख रही हूँ कैसा लग रहा है, येलो लाइट्स में देखा मैंने कैसा लग रहा है, वाइट लाइट्स में. डेफिनेटली कन्फ्यूजिंग तो बहुत हो रहा है, बट देखते हैं, एक ट्राई मार के. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय.